नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका दिल से स्वागत है व्हाट्स कुकिंग विद शची। आज मैं शची घर से होली के अवसर पे आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल गुजिया, खोए की गुजिया, मावे की गुजिया, ड्राई फ्रूट्स वाली मावे की गुजिया लेके आई। मैं जानती हूँ आप सब बहुत ज्यादा होशियार है और आप सबको आती है ज्यादातर सबको, लेकिन कुछ ऐसी नई नई लेडीज है जिन्होंने अभी अभी घर संभाला है, तो ये वीडियो उनके लिए। आप भी देखिए और बताइए कि मैंने सही तरीके से बनाई है कि नहीं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं इन ऑल आपको दो तरीके की गुजिया सिखाऊंगी, अभी ये ट्रेडिशनल और फिर कुछ स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं किचन की ओर और बनाते हैं यमी टेस्टी सी होई की गुजिया। तो पहले हम गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं जिससे ठंडी होने में भी टाइम लगेगा। तो हमने ये वाली 1/4 कटोरी सूजी ली जिसको हम हल्का भून लेंगे। इससे जो फिलिंग है वो अंदर को बाइंड होके रहती है, मतलब भागती नहीं है, तो ये बाइंडिंग का काम करती है। हमारी देखिए सूजी भून गई है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये 1/2 किलो ताजा खोआ भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए काजू, बादाम और खरबूजे के बीज। अब ये खूब अच्छे से खोआ भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें आखिरी में हम डालेंगे इलायची पाउडर। अभी हमने चीनी या बूरा कुछ नहीं डाला है, ये इसको ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे। अब तब तक हम डो यानी इसका आटा हम तैयार करते हैं। 750 ग्राम मैदा है, इसमें हमने 1 कटोरी तेल डाला, रिफाइंड डालो, आप चाहो तो देसी घी डालो, और इसको हाथ से इतना मल लेंगे कि इसकी मुठिया बनने लगे, जैसे ऐसे। जब तक ये मुठिया नहीं बनेगी तब तक आपकी गुजिया हार्ड रहेंगी और वो क्रंची मंचीनेस सॉफ्टनेस नहीं आएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी हमारी मुठिया नहीं बन रही है, यानी 1/2 किलो ओ 1/2 कटोरी तेल से थोड़ा ज्यादा डलेगा। तो ये देखिए अब बन रही है मुठिया, ये चाहिए हमें। इसको अच्छे से मल लेंगे जैसे तेल सब जगह पहुंच जाए, और फिर पानी की सहायता से एक डो तैयार कर लेंगे। ऐसे इसको इतना मुलायम बनाते हुए, अब आप देखिए इतना तेल डला है कि इसकी आराम से परतें बन रही है। तो सोचिए देखिए कितना अच्छा मतलब आ रहा है, तो ये कितना सॉफ्ट रहेगा। ऐसे बनाइए कि आपकी परात साफ होती जाए। ये हमारा 1/2 किलो करीब खोआ था, इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी मिलाई और इसमें मैंने 250 ग्राम ये बूरा या पीसी शुगर कह दो, ये मेरी बाजार की, आप चाहो तो घर में भी पीस सकते हो, ये अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। लेंगे, दबाएंगे और उसे हम बहुत पतला बेल लेंगे। अब हम ऐसे देखिए इतनी छोटी लोई लेंगे, लोई बॉल बना लेंगे, इसको दबा के इसे हम पतला बेलेंगे। ये बहुत ट्रेडिशनल वे से मैं बना रही हूँ। फिर इसके बाद एक और दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही यम्मी बच्चों की फेवरेट चॉकलेट गुजिया, किंतु इसके बाद।
अब ये साचा लिया, ये मार्केट में इस समय तो बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है, वैसे भी मिलते हैं। और चारों तरफ हमने ये स्लरी बना ली मैदे की और पानी की, और इससे हम इसको चारों तरफ ऐसे चिपका लेंगे और इसमें एक तरफ ये फिलिंग अच्छे से भरते हुए। ऐसे इसको हम प्रेस करेंगे दबाकर, और ये जो एक्स्ट्रा निकल रही है इसे हम उसी परात में डाल देंगे जिसमें हमारा आटा है। क्या नीट एंड क्लीन हमारी गुजिया बनके निकली है, देखिए। थोड़ी सी मैदा डाल के देखेंगे। जी हाँ, हमारी मैदा ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो में कर देंगे। हम एक एक करके गुजिया डालेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। हल्की आंच पे बड़े प्यार से, बहुत दुलार से इनको तलेंगे। देखिए कितनी अच्छी एयर बनकर आई है। आ हा हा हा, देखते ही खाने का मन कर रहा है, किंतु भोग के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारी होली के लिए परंपरागत ट्रेडिशनल गुजिया, खोए की, मावे की, ड्राई फ्रूट्स वाली। तो इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कैसी लगी। और रंगों को अपना खूब कलरफुल बनाइए, फूलों से बनाइए, गुलाल से बनाइए, पक्के रंगों का इस्तेमाल मत कीजिए, और एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे जब जब मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे और हमारा बार बार मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा, मैं शेखी गर्ल सिंह इस समय विदा लेती हूं। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। कहां? यहां कहां? इन व्हाट्स कुकिंग विद शची। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, हैप्पी होली।